नाग देवता ने दियोड़ो वचन पूर्ति करने वास्ते आपरी अबोध जीभ ने बाहर निकालो, जीभ रे माथे नाग देवता ने डसवा और लीलण ने आदेश दे कि लीलण म्हारी जय 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 गड खर नडे शेर बाबल में नीवन दे। इस भजन को दो तरीके से गाया, एक तो नाचते हुए डीजे के साथ और एक रोते हुए। उस समय के उस संकट को, उस समय के उस विपदा के काल को याद करते हुए। होते जा जी कैया जावा वाली लड़ के वे तेजा जी ने की कर जाऊं खाली मारी पीठ मावड़ली देसी ओणबा के जाते वक्त तो तेजा ने पीठ माथे बिठा ले गई और आते वक्त तेजा ने छोड़ आई लीलन कीकर मैं माता जी ने मुंह दिखाऊंगा। बहुत सुंदर भजन, पर आज हम नाचते हुए इस भजन का आनंद लेंगे। ओ लीलण म्हारी जय 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 रेडी 1 2 3 4 नाचना पड़ता है। अरे नचाएंगे नहीं, एक बार मंच पे आ जाओ। आओ आओ, अगर नाचे नहीं तो सारे पैसे वापस कर दूंगा अभी कभी। हाँ तो आ जाओ, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। समिति के सारे सदस्य आ जाए एक बार। हाँ, ये जितने भी खड़े कमेटी वाले एक बार आ जाए लीलन पर नाचने का आनंद एक बार, क्योंकि तेजा जी महाराज का बहुत सुंदर है ये। Thank you.
सेजा जी महाराज की जय, श्री गौ मात की जय हो, आनंद आया, जय हो, मारे मादन तो बोले श्री तेजा जी महाराज की। कहते हैं कभी सर्दी सर्दी, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और वे लोग भी प्यासे जो तेजा जी के किनारे, क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होते हैं, और ताली वही बजाते जिनके हाथों में। देखना चाहता हूं तेजा जी की भक्तों की भुजाओं में कितना दम, एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग।